नमस्कार दोस्तों, आज फिर आई हूँ एक और कविता लेकर, वो भी नारी सशक्तिकरण पर, जिसका शीर्षक है समानता का अधिकार। और यह कविता कामकाजी महिलाएं यानी कि वर्किंग वुमेन जरूर अपने साथ को रिलेट करेंगी, तो सुनिएगा। नारी हुई सशक्त, हर क्षेत्र में है बढ़ रही, दफ्तर समाज राजनीति कर रही सब कुछ सही, कभी हो जाती है व्यवहारिक, बन जाती है ये मजबूत, और कभी बह जाती है भावना में, है ये प्राणी अद्भुत, मिला के कंधे से कंधा, दफ्तरों में ये जाए, बराबरी करती है पूरी, पर रसोई घर में खाना यही बनाए, सुबह जल्दी उठ, नाश्ता बना, करे पूरे दिन की तैयारी, फिर ऑफिस में लगा हाजिरी बने समानता की अधिकारी, समानता का अधिकार समझ नहीं आता सच है या धोखा है, समानता का अधिकार समझ नहीं आता सच है या धोखा है, और जिसका लालच दे स्त्रियों को नई जिम्मेवारियों में झोंका है, व्यापार करे आज की नारी, बैंकों की लाइनों में जा खड़ी हो और मल्टीटास्किंग बन दुर्गा रूपी, हर कार्य क्षेत्र में चाहे बड़ी हो पर शाम की रसोई, बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन, रिश्तेदारों की अगुवाई, पति के मूड का ख्याल और बच्चों के उलझे बाल, और अपने लिए कुछ सोच ले तो अपनों के ही ढेरों सवाल, और फिर एक गलत फहमी जो सबके दिलों में पलती है कि आज की नारी सब पर भारी, कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, ये कैसा समरूपता का अधिकार नारी ने ले लिया है नरों के कंधे का भार, वो भी बिना किसी धन्यवाद और बिना किसी आभार, घर परिवार रसोई बच्चे और रिश्तेदारी क्यों अब भी जिम्मेवार है सिर्फ नारी, बराबरी की गर हो बात, नर भी दे नारी का साथ, सार्थक हो समानता का अधिकार घर समाज के लिए पुरुष भी हो जिम्मेवार, नारी ने सशक्तिकरण की स्वयं ही बड़ी ऊंची कीमत आकी है, ये जो जमाना बदल गया पर थोड़ा बदलना बाकी है, बदली सिर्फ आज तक नारी है, बहुत हुआ समता की बातें, अब नर के बदलने की बारी है। धन्यवाद।